बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उम्मीद कर रहा हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया आप सबके सामने जो है एक मजीद एक नई वीडियो बनाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले आप सब बहन भाइयों को जो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं उन सब को हमारी तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक और ईद कुर्बानी जो है आप सबको मुबारक हो। जो हमारे बहन भाई जो माशाल्लाह से हज करने गए माशाल्लाह सुभान अल्लाह उनके नसीबों के जो है कुर्बान जाएं, अल्लाह ताला ने उनको अपना मेहमान बनाया, तो अल्लाह ताला उन सब की जो मांगी हुई दुआएं कुर्बानियां अल्लाह पाक कबूल करे रब्बिल आलमीन। और हम सब जो नहीं जा सके जो हज नहीं कर सके तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक परवरदिगार हमें भी अपने दर पे जरूर बुलाए इंशाअल्लाह। तो जी आज जो है आपके साथ कुछ शेयर करनी थी कि हमारी एक सिस्टर हैं, सिस्टर वफा हमारी बहन जो है उन्होंने हमारे लिए कोई गिफ्ट भेजी है, तो जी गिफ्ट क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फातिमा आपको जो है विश करेगी ईद का। फातिमा क्या कहोगी अपने बहन भाइयों से? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाइयों बहनों कैसा हो? फातिमा जोर से ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे आबाद रखे और किसी को हज किया अल्लाह ताला कबूल करे आमीन भी कबूल करे आमीन। कोई को औलाद नहीं अल्लाह ताला औलाद दे कोई बीमार अल्लाह शफा दे दे आमीन। हर मुसलमान को खुशी दे दे आमीन। ये ईद अल्लाह ताला हर मुसलमान हर भाई बहन को खुश हो जाए आमीन गुजारे इंशाल्लाह। ईद मुबारक हो और कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करे हर मुसलमान से वो हज भी अल्लाह ताला कबूल। तो जी यहाँ पर आमीन आमीन फातिमा आपकी दुआओं पर भी आमीन। और क्या दे दिया हमारे को बापा उसको नाम प्यारा प्यारा बहन है हमको तो ये दे दिया। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं हम अपने गिफ्ट की तरफ जो हमारी सिस्टर ने हमें भेजी है और गिफ्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और गिफ्ट क्या है तो हम आपसे शेयर करते हैं। ये है तकियों के कुशन, ये जो है तकियों के कुशन हैं और जो हमारे सिस्टर ने हमें भेजे हैं। तो हमने कहा चले अपने बहन भाइयों के साथ एक वीडियो भी शेयर कर देते हैं और हमारी बहन भी जो है वो भी देख लेंगी। और ये देखें मैं अपने बहन भाइयों को दिखाना चाहूंगा। ये जो है सिराना जिसे कहते हैं जिसपे सोया जाता है तकिए पे, ये उसका कुशन है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कुशन है और बहुत अच्छे जो है ना लग रहे हैं। पीछे से ये डिजाइन है और ये फ्रंट डिजाइन है इसका। और ये जी सिराने के हैं और ये एक दो तीन और ये चार, ये सिराने के लिए चार कुशन सिस्टर ने भेजे हैं। और ये कुशन जो है ये जो है जो टेक वाला तकिया होता है ये उसके लिए, तो ये कुशन भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं बहुत अच्छे डिजाइन के हैं। तो इसकी बैक और फ्रंट दोनों एक जैसी है और साइड आपको पता है कि इस तकियों के ऐसी ही होती है। तो ये हमारे सिस्टर ने जो है टोटल जो है ये सिक्स जो है ना भेजे हैं, एक दो तीन चार पांच छ, तो ये छह जो है ना सिक्स कुशन ये है, फोर कुशन ये हैं और ये हमारे सिस्टर ने हमें भेजे हैं। और उनकी मोहब्बत का उनके इखलाक का इखलास का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये गिफ्ट दिया।
तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी नेमतों से नवाजे। हमारी जो YouTube फैमिली है उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं, आप हमारे बहन भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे अजीज हैं और हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं आप। तो अल्लाह ताला आपसे राजी हो, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियों और बहुत सारी नेमतों से नवाजे। और जिन बहन भाइयों के औलादे नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालेह औलाद दे रब्बिल आलमीन। और दुनिया के किसी भी कोने में जो अगर कोई हमारे बहन भाई बीमार हैं अस्पतालों में या घरों में, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती ईमान सलामती वाली जिंदगी दे। और जिन बहन भाइयों की जो है माँ बाप हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती ईमान सलामती वाली जिंदगी दे। और जिनके माँ बाप नहीं है, इस दुनिया से गुजर गए हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे रब्बिल आलमीन। और जिन बहन भाइयों की जो है ना शादियां हो गई हैं, तो उनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उन्हें हर खुशी हर नेमत से नवाजे। और जिनकी शादियां नहीं हो सकी हैं, तो हौसला मत हारे, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियां कर दे रब्बिल आलमीन। तो फातिमा, लास्ट में अपने बहन भाइयों से क्या कहना चाहोगी? ईद मुबारक आपको। मैं दे रहा हूँ आपको यार अपने बहन भाइयों के साथ। वैसे तो मैंने इनको ईद मुबारक कही है, अभी अपने बहन भाइयों के सामने भी आपको ईद मुबारक कह रहा हूँ। ईद मुबारक, खैर मुबारक। उस तरफ मुंह करके क्यों कर रही है ऐसे? किधर मुंह? उधर तो देख ना। अच्छा उधर देखोगी। तो ईदी क्या दिया? ईदी ईदी ये है ना, ये हमारा दोस्त भेज दिया। यार आपका दोस्त है? हाँ। आपका दोस्त है तो मेरी बहन है। हमारा दोस्त जब मैं घर बदली किया वो भेज दिया हमारा। अच्छा ये तो ऐसे नहीं है, वो तो मेरी भी बहन है ना। चलो हमारा चलो कोई नहीं इंशाल्लाह। तुम ईदी क्या ईदी करती हो यार? अल्लाह मालिक है तो मैं ईदी दे दूंगा अपने दीदी को, हर चीज खरीद कर ईद के लिए। अरे तो दूंगा ना ईदी दूंगा अभी। अरे क्या है, ईदी दूंगा बाबा। क्या देगा? जो अल्लाह ने दिया। जब ईद खत्म हो गया फिर फायदा क्या है? फायदा है ना? नहीं। क्यों नहीं है? फातिमा मेहंदी क्यों नहीं लगाई आपने? मेहंदी? हाँ वो जो रखी हुई थी मेहंदी रखी हुई थी लेके, क्यों नहीं लगाई? इतना आपके हाथों में, ए देखो ना आपके हाथों में वो मेहंदी इतनी अच्छी लगती है यार। मेहंदी बेकार क्यों? सारा हाथ खराब होती। ओहो तो ये वो वाली मेहंदी नहीं है, वो उसमें वो केमिकल होता है, वो वाली मेहंदी नहीं है, मैं दूसरी लेके आया हूँ। भूल गया। चले अच्छा हमारे चैनल को क्या करें? लाइक शेयर करें। सब्सक्राइब कौन करेगा? सब्सक्राइब तुम करें। मैं नहीं करूंगा। तो जी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा जो है देखा करें। आपके मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का बहुत शुक्रिया। होने के लिए बिस्तर आए ठीक है यहाँ पर, और पकाने के लिए एक वो है पतीला है, चाय के लिए और सालन के लिए कोई चीज अभी तक नहीं आई है, बारिश लगी पड़ी है। तो अभी मैं कैसे आपके लिए गिफ्ट लेके आऊं, कोई तोहफा कैसे लेके आऊं, आप खुद बताओ। क्यों बारिश में यार मैं कैसे ले, अब मुझे क्या गिफ्ट करोगी? मैं तो आपको देता हूँ, मैं तो देखो ये बात देगा, नहीं 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 मैं आपको हर वक्त देता हूँ गिफ्ट, ऐसी बात नहीं है, गिफ्ट देता हूँ ना आपको, तोहफा देता हूँ ना, जब भी होता है मैं दे देता हूँ आपको तोहफा। हाँ तो इंशाल्लाह इस दफा भी दूंगा, जिंदगी रही तो दूंगा, मर गया तो या अल्लाह। अरे तो जब ईद खत्म हो तब भी क्या करेगा यार? हमारा दिल कितना खुश है। अच्छा खुश हो गया, मेरा भी दिल खुश है, लेकिन इसको आने में कितने दिन लगे? कितना दिन? 4 दिन लगे, क्योंकि सुनो तो एक मिनट मेरी बात सुनो। उन लोगों ने कहा कि यार बारिश है, रास्ते खराब हैं, तो 4 दिन लग यार। मैंने फातिमा मैं भी तो आपको देता हूँ ना, ऐसी बात हो रही है? अभी तो कुछ भी नहीं है यार मेरे पास, लेके आऊंगा ना मैं आपको। अल्लाह अभी रास्ता देखो किस तरह, कैसे बारिशें चल रही हैं, रास्ते खराब हो गए। फोन करो, आ जाओ ये चीज लेके आना।
पैसा उसको यार मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंग्रेजी मुझे नहीं आती है कि मैं उन लोगों को, वो फोन पे नहीं होता, वो मैसेज वगैरह करते हैं उस पे मंगवाते हैं, मुझे नहीं पता चलता। मैं तो आपके लिए लेके आता हूँ गिफ्ट, पिछली वीडियोस जो है ना मेरी आप देख सकते हैं, मैंने फातिमा को कितनी दफा गिफ्ट किया। अल्लाह फातिमा आप कैसी बातें कर रहे हो यार। अच्छा तो ये बताओ कि आप मुझे क्या गिफ्ट। मैं दूंगा और ये बहन भाइयों के सामने ये लफ्ज बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा सुनो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी। पहले मैं दूंगा और तुम क्या दोगी। मैं जो नसीब होती है मैं दूंगा। मेरी भी जो नसीब होगी ना मैं अपने बहन भाइयों के को दे दा, कपड़ा मैं आपको फातिमा मैं अपने बहन भाइयों के सामने आपको गिफ्ट दूंगा इंशाल्लाह। और जिंदगी रही तो बारिशें खत्म हो जाए यार बारिशें खत्म हो जाए, हम अपना सामान लेके आए घर को सही करें। फातिमा घर देखो समझा करो ना यार। तो जी बात कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, हम लोगों की बहस हो गई है तो इस वजह से थोड़ी सी बात लंबी हो गई। बहरहाल ये एक मियां बीवी जो है एक रिश्ता है, इसमें चलता रहता है और होता रहता है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। जिंदगी रही तो एक नई वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होंगे, और जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।